ऐसे आप सब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठीक होंगे खैर खैरियत से होंगे अच्छा तो आज बहुत लोगों ने कहा कि प्लीज़ प्लीज अपना बेडरूम दिखाएं तो मैंने कहा चलो जी आज अपना बेडरूम दिखाती हूँ सबसे पहले तो आप ये देखें, ये फ्लावर और ये देखिए ये देखें, इट्स इट कैन मूव लुक इट्स मूविंग ये देखिए ये देखिए इसके नीचे स्पेस है ये देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है और ये मेरे हस्बैंड ने घर बनने से ऑलमोस्ट टू इयर्स पहले लिया था अब मैं आपको अपना बेडरूम दिखाने लगी हूँ पहले पहले यूं देख लें उसके बाद मैं फिर फुल इंट्रो दूंगी भाई यहाँ से हमारे रूम का डोर ओपन होता है और ये जब बिल्कुल रूम के सामने जो है ये हमारा बेड है और ये बेड जो है ना ये हमने इसलिए इतना बड़ा बनवाया क्योंकि हम आराम से चारों चारों लोग सो सकें गेम खेल लें आप गेम खेल लें अच्छा ये देखें मैं आपको कह रही थी हमने बड़ा बेड बनवाया था ऑलमोस्ट uh, जो बेड होते हैं ना वो जो है ना आपको पता होगा कि सिक्स बाय छः बाय साढ़े छः के होते हैं लेकिन हमने बनवाया आठ फुट का बेड ठीक है अब आप देखिए ये देखिए वहाँ से ले के ये देखिए वहाँ से ले के यहाँ तक ये है आठ फुट ठीक है ओके और उसके बाद ये जो ये है ये फिर टू फुट का है ठीक है और इस तरह यहाँ से लेके फुल दीवार तक बेड जो है ना ये ऑलमोस्ट टेन फुट का बेड है क्योंकि हमने बेड में मतलब बेडरूम में हमारा यही था कि बहुत कंफर्टेबल हो तो हमने साइड पे ये सारा फोम है फोमी बेड बनवाया ये देखें ये सारा ये देखें इट्स सो सॉफ्ट और ये साइड पे इसलिए बनवाया कि बच्चों के साइड पे पिलो रखने होते थे तो हमने कई यार पिलो की बजाय हम यही बनवा लें थोड़ा सा स्पोर्टिंग है ये देखिए थोड़ा सा ऊंचा है और पीछे जो ये वाली डिजाइनिंग आपको नजर आ रही है ये थोड़ी नीची है क्योंकि हमारी नीचे तक है अगर आप लोगों ने ऐसा बनवाना हो तो ये पीछे वाली डिजाइनिंग थोड़ी लंबी हो फिर इट लुक मोर ब्यूटीफुल ठीक है अब इस बेड के साथ हमने ये पिलोज बनवाए लेकिन वो ऊपर नीच में रख दिए क्योंकि ये ये पिलोज हमने रखे हैं और कोई ऐसा वक्त नहीं होता जब बच्चे मेरे साथ यहाँ बेडरूम में ना हो तो मैं हादी के साथ ही वीडियो बना रही हूँ अच्छा ये ये बेड जो है ना ये ख़ाला बेड शीट खाला ने टू बेड शीट खाला ने गिफ्ट की और थैंक यू खाला और और ये जो ये कम कंफर्टर हैं ये वाले टू ये मैंने एप्रिकोट से मंगाए सेल पे अच्छे मिल गए काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ और आप ये देख सकते हैं ये जो बेड के वहाँ डिज़ाइनिंग बनवाई वही जो है ना वो इधर भी बनवाई ठीक है और इसके साथ ये जो है ना ये बैठने वाला बनवाया सोफ़ा और ये हर जगह क्योंकि हमने अपने घर में बहुत ज़्यादा स्पेस वाली चीज़ें रखी हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा हो सके तो ये देखें ये ये दराज़ पता नहीं इसके अंदर कितना गंद है <laughs> बस सही है ये हमने टू यहाँ बनवाया और इसके बाद यहाँ से हम आराम से इस जगह से हम ऊपर चढ़ सकते हैं आराम से ठीक है और।, और उसके बाद यहाँ आके हम आराम से बैठ सकते हैं यहाँ सो जाते हैं ओके ठीक और ये वाला जो है ना ये थोड़ा हार्ड हमने बनवाया है ठीक ये वाला तो ये हार्ड इसलिए होता है कि भाई यहाँ कोई चीज़ हम सामान वगैरह रख सकते हैं सही तो ये कंफर्टेबल है ऊपर चढ़ना भी इसलिए ऐसा डिजाइन बनवाया और उसके बाद जो है ना यहाँ से ये यहाँ ये लेटने वाली जगह बनवाई ये देखें ये थोड़ी कर्व्ड शेप में है तो आ, इसमें बहुत मजा आता है लेट के और यहाँ देखें यहाँ भी दो नीचे भी ये देखें दराज बनवाई सही है और यहाँ लेटने में बहुत मजा आता इसमें ये देखें इस पर यह पिलो रख के हम आराम से सुकून से यहाँ लेट के टीवी देखते हैं अच्छा जी अब ये इसके पीछे नीचे देख लें इसमें मैंने आयतल कुर्सी मंगाई ये आयतल कुर्सी की जो लिंक है मतलब ये आयतल कुर्सी का इस लिंक मैं आपके वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूँगी ये बहुत अच्छी साइट है इससे आप ज़रूर बाय करें और ये बहुत बहुत मज़े की है ये आयतल कुर्सी गोल्डन कलर हुआ हुआ है और काफ़ी आपको लग भी अच्छी रही होगी अच्छा और अब इसके साथ हमें ड्रेसिंग टेबल हमने अटैच ही कर दी है देखें ये इसी के साथ ही अटैच कर दी और इसका जो मिरर है वो हमने ऊपर जो नीच थी ना उसके बिल्कुल साथ इतना मतलब उसके लेवल पे रखा सही है ओके अब नीच के अंदर हमने आ, ये हमने बर्जर के पेंट कराए हैं और नीच के अंदर जो पेंट कराया वही पेंट जो है ना वो हमने इस एल शेप एल शेप टीवी डिज़ाइन में भी कराया सही है अच्छा अब अब क्योंकि देख आपको बताया था कि हमारे हर रूम में जो है ना ऑनलाइन क्लॉक है तो ये देखें ये यहाँ भी हमारे ऑनलाइन क्लॉक लिया और उसके ऊपर लैम्प है ये मैंने लैम्प जो है ना यहीं भावलपुर से लिया था और ये करीब से देख लें आप ये देखें ओके okay. अच्छा अब और अब और क्या दिखाऊँ क्या बताऊं ये देखें ये हमारे कर्टन्स हैं और ये थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर्पल थोड़ा पेंट कराया मतलब पर्पल छेड कह लें तो हमने ये जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट सा कपड़ा था तो ये हमें अच्छा लगा अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगेगा लेकिन ये अच्छा लगा और ये साइड पे हमने ऑफ वाइट थोड़ा कम्बिनेशन किया वो अंकल कह रहे थे पर्दे वाले कि ये आप बॉक्स ना लगाएं रूम में लेकिन हमें पसंद है तो उन्होंने पर्दे के ऊपर ये डिज़ाइन भी बना दिया कि बॉक्स ना भी हो तो मतलब ये अच्छे लगे अब ये मैंने लाहौर से कि लिए ये फ्लावर्स पर्दे के साथ मैच करके वाइट कलर के फ़्लावर्स अपने घर में रखे कमरे में सॉरी और ये जो ये है ना ये स्टूल है ये ड्रेसिंग टेबल के लिए है मतलब ये दो दराज है ना ड्रेसिंग टेबल के तो ये स्टूल है अब ये बच्चे आजकल बीमार हैं इसलिए उनकी दवाई यहीं रखती है हम लोगों ने हर वक्फ होती रहती है इनको अच्छा चलें अब ये बाथरूम का दरवाज़ा है चलिए अब आप फॉल सीलिंग देखें ये तो दिखाना ही भूल गई थी मैं ये देखें ये है हमारी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन थ्री लेयर्ड है और साइड पे ऐसे कैसे दिखा रही हूँ मैं <laughs> हाँ ये देखें ये दुमया में सी एन सी डिज़ाइन है और ऊपर मिरर लगा हुआ है और ये फैन जो है ना ये प्योर वाइट था ये ऊपर धब्बा लगा दिया वो पेंट वाले भैया ने साफ कर रहे थे तो उनसे उन्होंने पता नहीं क्या लगाया थिनर लगाया पता नहीं क्या वो पेंट उतर गया इसको दोबारा पेंट कराना है हमने है बहरहाल अच्छा तो ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको कैसा लगा मेरा बेडरूम और अब जो है ना मैं आप लोगों को अपना चले वॉशरूम दिखाती हूँ लेट्स हैव अ लुक टू माई वॉशरूम ये है हमारा वॉशरूम ये देखें ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये स्केयर uh, स्केयर जो है ना मिरर लगवाया जी बेबी आ रही हूँ ये देखिए ये है टू लैंप्स लिए ये थ्री कलर्स हो जाते हैं इसके एक येलो मैं आपको चला के दिखाती हूँ हाँ येलो और ये, ये, ये वाइट है और ये प्योर वाइट है ओके ओके गोल्डन था सॉरी सॉरी बच्चों गोल्डन था मेरे बच्चे ने कहा है और ये देखें इसके ऊपर फॉल सीलिंग इसकी ऐसी है और ये थोड़ा लंबा वाशरूम था इसलिए हमने इसकी ये आ, ये मेरे हस्बैंड की क्लोज है और ये मेरा और ये जो है इसकी देखें मुझे इसकी टाइल्स बड़ी पसंद हैं क्योंकि सारी टाइल्स ना ये डिफरेंट डिफरेंट उसमें यहाँ से दूर से देखें ये देखिए अच्छा और ये जो है ना ये ब्लैक मार्बल लगवाया यू डिज़ाइन बनवाया ये देखिए ये यूं करके यूं करके फिर यूं करके यूं और ये नीचे भी सारे दराज बनवाए ये भी खुल जाता है आप देख सकते हैं और आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगा क्योंकि माधी ने आके टैप चला लिया आ, ये देखिए अभी ये मराची की ही है ये मराची का ही कमोड है और ये बात तब और ये देखें, ये मराची करी है बात तब ये किसी और कंपनी का आई डोंट रिमेंबर द नेम और ये देखिए इसके पीछे हमने यू ये मतलब डिजाइनिंग जो थी डिजाइनिंग वाली टाइल पीछे लगवाई पीछे और साइड पे आप देख सकते हैं आई जस्ट लव दिस टाइल्स चलें जी मैंने आपको अपना रूम भी दिखा दिया और वॉशरूम भी दिखा दिया अब आपने बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा रूम और मेरा वॉशरूम मेरी आइज़ में आज थोड़ा लेंस लगाने की वजह से ज्यादा ज़्यादातर लेंस लगा लिया तो उसके जैसे रेड हो गई आइज़ कोई भी कोई भी राय देनी हो तो प्लीज़ ओपनली दें और कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें अपना ख्याल रखेगा तो हमें याद रखिएगा लव यू ऑल बाय बाय